उत्तर प्रदेश में नहीं रुक रहा है भ्रष्टाचार। वन विभाग के कर्मचारी का ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। रिश्वत मांगने का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। सूखे पेड़ काटने की परमिशन के नाम पर मांगे थे 50,000, 20,000 रुपए में हुआ जिसका सौदा तय। पीड़ित की दुकान और मकान पर कई सालों से मंडरा रहा है शीशम के सूखे पेड़ के गिरने का खतरा। रिश्वतखोरी से तंग आकर पीड़ित युवक ने वीडियो वायरल करके इंसाफ की गुहार लगाई है। रिश्वत मांगने का ऑडियो क्लिप भी किया गया है वायरल। ककोर थाना क्षेत्र के सिकंदराबाद रोड का है ये पूरा मामला। हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, ककोर से बोल रहा जी। ककोर से कौन सो जी? महेश शर्मा जी, बताइए। शीशम जो है परसों जो अच्छा उसका? हाँ, परसों जो आए थे आप? हाँ, मैं बता रहा था सर, चल रहा था काम। हाँ, मैं ये कह रहा कटवा दो उसे पैसे, वो 20 की कह रहा वो संजू, तो देख लो आप। हम मैं भाई साहब से बात करी आज, बोलेगा देख लो जो कम हो जाए जितने, और देख लो आप अपने हिसाब से। परेशान है हम भी, सुनो भाभी एक्सपायर हो गई, फिर अब ये आप हमारे घर में ये इसलिए मैं कह रहा था मेरी बात सुनो, मैं कभी किसी के पास गया नहीं हूँ दोबारा, केवल तुम्हारी वजह से चला गया था मैं। वो तो बताओ एकदम परेशान हो गए, तुम बता तो दिया था, क्या बताएं तुम्हें कितना। 20 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मैं दोनों भाई कर, क्योंकि वो इस लायक है ना इतने, वो तो 1,500 दे सके कुछ मैं करूंगा, देख लो। अब हम भी परेशान है, मैं कहता ना। हाँ, और ये तो उठी पैट है, अब तो ये चल रहा प्रोग्राम ही 4 साल में है कटान वाले। ना सही कह रहे हो, वो तो है ही, अब जब इनकी हमें कटान चल रहा है कट जाए। हाँ, परेशानी हो रही है। और नंबर तुम्हारे पास है, अभी तुम्हारे पास अब नंबर डलेगा पता ना, 2 साल में आएंगे, 3 साल में, 4 साल में, कुछ पता नहीं। जी जी, ठीक कह रहे हो भाई साहब। चलो मैं आऊंगा 1-2 दिन में, तब बात करूंगा आपसे, ठीक है? बात क्या, कल कटवा दो, देख लो कितने हो जाएंगे, कितने कम से कम हो जाएंगे, अब बैठ के बात होंगी फोन वोन पर से नहीं। अच्छा ठीक है। मैं महेश कुमार सनौ फकीरचंद शर्मा, ककोर सिकंदराबाद रोड ककोर का रहने वाला हूँ। मेरे सामने एक शीशम का पेड़ है, सूखा हुआ, करीब 5 साल से सूखा हुआ। मैं इसे वन विभाग के कर्मचारी हैं, वो तालेब हैं कोई, मैंने उनसे कहा कि जी शीशम के पेड़ कटवा दो, लेकिन उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये की डिमांड की। फिर वो दूसरे दिन, ये इतवार की बात थी, सोमवार में सुबह को वो आ गए मेरे पास। मैंने फिर उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, क्योंकि मेरे यहाँ परेशानी है, मैं पैसे देने में असमर्थ हूँ, लेकिन वो बोले कि नहीं, पैसे आपको देने पड़ेंगे, बे पैसे के नहीं कट पाएगा ये। और श्रीमान जी से वो है कि मेरे पेड़ कटवाने की कृपा करें, मेरे मकान पे ये गिरने के लिए तैयार है, मेरे बच्चे रहते हैं, मेरी फैमिली रहती है मकान पे।